अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अडोब इलस्ट्रेटर पे हमारी ऑप्शन बार या हमारा टूल बार या कोई भी हमारा पैनल अगर स्क्रीन से गायब हो जाए तो उसको किस तरह से हम दोबारा से अपनी स्क्रीन पर शो कर सकते हैं, और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हम अपने पैनल्स, अपने टूल बार्स या अपने ऑप्शन बार को हम किस तरह से दोबारा अपनी स्क्रीन पर सेट कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने हुए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। देखिए, यहाँ पर हमारा टूल बार शो हो रहा है, हम इस टूल बार को यहाँ से हटा देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारा गलती के साथ या हमने जानबूझकर इसको यहाँ से हटा दिया है। इसी तरह से देखिए, यहाँ पर भी हमारे टूल बार्स हैं, हम इनको भी यहाँ से रिमूव कर देते हैं। देखिए, जो भी हमारे पैनल्स हैं इनको हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। अब ना तो हमारे टूल बार्स यहाँ पर मौजूद हैं, ना हमारे पैनल्स यहाँ पर मौजूद हैं, और ना ही यहाँ पर हमें कोई ऑप्शन बार दिखाई दे रहा है। तो अब फ्रेंड्स, किस तरह से हम इनको वापस ले आएंगे? तो इसको वापस ले आने के लिए दोस्तों, सबसे पहले हम विंडोज़ पर क्लिक करेंगे। विंडोज़ पर क्लिक करेंगे तो एक हमारी बार ओपन होगी। इस बार में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ आपको टूल बार्स दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ पर आपने एडवांस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप एडवांस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो टूल बार है वो आ चुके हैं। आप यहाँ से उठाकर इसको इस तरह से बिल्कुल इसके लेफ्ट कॉर्नर पर सेट करेंगे तो ये एक नीली सी बार ओपन होगी। तो ये जैसे ही आप यहाँ पर छोड़ेंगे तो ये यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, हमें चाहिए यहाँ पर ऑप्शन बार। तो ऑप्शन बार और यहाँ पर पैनल्स देखने के लिए आपको यहाँ पर ये देखिए स्विचेस वर्कस्पेस की ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने आप देख सकते हैं कि काफी सारे यहाँ पर ऑप्शंस आ जाते हैं। इनमें से आप एसेंशियल क्लासिक पर क्लिक कर दें या आप लेआउट पर क्लिक कर दें तो आपके ये जो पैनल्स हैं और आपकी जो ऑप्शन बार है वापस आ जाएगी। देखिए, यहाँ पर मैं एसेंशियल क्लासिक पर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि यहां पर हमारे पैनल्स आ चुके हैं और साथ ही साथ में आपको यहां पर हमारी ऑप्शन बार भी दिखाई दे रही है। अब फ्रेंड्स, अगर आप इस बटन पर क्लिक नहीं करते हैं या आपको ये याद नहीं रहता है कि इस बटन पर क्लिक करके भी हम यहां से इसकी सेटिंग कर सकते हैं, तो दोस्तों आपको विंडोज देन यहाँ से वर्क स्पेस और यहाँ पर भी ये तमाम की तमाम ऑप्शन मिलेंगी, आप यहाँ से भी इनको सेट कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको किस तरह से हमारे टूल बार्स, किस तरह से हमारे पैनल्स और किस तरह से हमने अपनी ऑप्शन बार को स्क्रीन पर शो करना है ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।